लेकर बहुत सारी डिमांड है। खेसारी लाल यादव इस डिमांड को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल है, राजमेंट अगर कोई बनाएगा भी तो वो रोशन सोरी बनाएंगे सर, क्यों बहुत बिग बजट की फिल्म है, कम से कम वो 10 करोड़ की फिल्म होगी। लेकिन अगर लोगों ने इस सिनेमा को बहुत भर भर के प्यार दे दिया, जिस हिसाब से हम लोगों ने कोशिश की है बेहतर सिनेमा के लिए, अगर लोगों ने भी इसको बेहतर कर दिया तो अगला टारगेट जो होगा वो अही राजमेंट ही होगा जी। खेसारी भाई, सरकार जो है चुनाव हो गए हैं, आप पवन सिंह के लिए प्रचार करने गए थे, पवन सिंह हार गए हैं, इस पर आपकी क्या रिएक्शन है? तो जिंदगी में एक बात होता है, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मतलब बाजीगर हो गए हैं। हारे नहीं है पवन सिंह, जीत जीत है, कोई जरूरी थोड़ी है कि सबकी पहली फिल्म सिल्वर जुबली हो जाती है, कोई जरूरी नहीं है। आदमी कहीं ना कहीं सीखता है, एक रास्ता उन्होंने अपने जीवन से हटके दूसरे रास्ते में गए तो वहाँ पर उस रास्ते के बारे में उनको पता नहीं, उसके बावजूद भी लोगों ने करा करके जनता ने रोन भैया को इतना प्यार दिया, ये कम नहीं है। कोई निर्दलीय आदमी 275,000 वोट लाए, ये खेला नहीं है। और लोगों के बीच में जो आदमी एसी में रहता है, वो पूरे दिन धूप में मर रहा है, लोगों से मिल रहा है, ये अनुभव उनको कहीं ना कहीं और बड़ा बनाएगा। और रास्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है कि इस बार के चुनाव के बाद एकदम दी एंड हो गया, इसके बाद चुनावें नहीं होगा। अगली बार मेरा भाई आएगा तो शेर की तरह दहाड़ के जीतेगा। आपके दो भाई जीत चुके हैं, रवि जी और मनोज जी, और दोनों भाइयों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, और वो जल्दी से मंत्री बने और बिहार को विशेष दर्जा का, विशेष राज्य का दर्जा दें, विशेष राज्य का दर्जा दिलाए और बिहार में थोड़ा सा कुछ रोजगार दिलाए, ताकि हम जो खटक रहे हैं इधर उधर वो रोजगार और सिनेमा हॉल थिएटर को बढ़वाइए, आप लोग छोड़ के चले गए हमें फंसा गए। कम से कम थिएटर बढ़ाइए, सिनेमा हॉल बढ़ाइए, ताकि लोगों का रोजगार बढ़े। तो मैं दोनों भाइयों से यही अपील करूँगा कि आप लोग प्लीज इस पर ध्यान दें। थैंक यू सो मच। अब आपको प्रतिक्रिया